कितना क्लासिक मैसिव सेटअप लग रहा है भाई, मतलब एनी टाइम 4 से 5 बंदों की व्यवस्था आपकी गाड़ी में हो सकती है भाई। बहुत ही डिफरेंट और क्लासिक है। ओ भाई, ये बाहुबली कहाँ से लाया यार। मोटा मोटा 10 से 15 हजार के अंदर आप आपकी गाड़ी के साथ कैंपिंग स्टार्ट कर लेते हो, और ये लेडीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली ही ट्रिप में आपका सारा पैसा वसूल हो जाएगा। मैं वही बोल रहा हूँ, 1 किलो वजन भी नहीं है इसमें तो। 7 से 8 हजार के अंदर एक कैंपर वैन बना थी दीपक भाई ने, मतलब इससे चीपेस्ट कैंपर वैन मैंने आज तक नहीं देखी। प्लस पॉइंट तो सब बताते, माइनस पॉइंट आपको क्या लगे? हेलो गाइस, स्वागत है आपका बहुत 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 एक नए वीडियो में। ये वीडियो एक रिव्यू वीडियो होने वाला है। वैसे तो आप उनको अच्छे से जानते हैं, लेकिन हमारी फैमिली काफी बड़ी हो चुकी है। बहुत से लोगों को ऐसा आइडिया चाहिए होता है, आपको पता है, जो अच्छा सेटअप होता है उसी का मैं एक पर्टिकुलर रिव्यू वीडियो करता हूं। तो दोस्तों, आज बहुत टाइम बाद एक अच्छा सा रिव्यू वीडियो लेकर आया हमारे मित्र का, जो कि काफी ऑलरेडी फेमस है, आप लोग जानते होंगे। तो चलिए चलते हैं, मिलवाते हैं आपको उनसे। तो स्वागत है दीपक भाई फ्रॉम हिमाचली ओवरलैंडर्स। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, बढ़िया। क्या वादियां हैं यार, ऐसी वादियों में हमें रिव्यू वीडियो करने का मिलेगा इनकी गाड़ी का। मिले हुए तो इतना साल हो गया भाई आपसे, लेकिन पहली बार चांस हो रहा है आपकी गाड़ी का रिव्यू करने का। चलो बढ़िया है, चलिए चलते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले किचन के सेटअप से। चलो भाई, अच्छा गाड़ी बता देते हैं, गाड़ी कौन सी है दीपक भाई आपकी? ये भाई TUV, TUV 300 है ना, आजकल की बोलेरो नहीं हो। आजकल की बोलेरो नहीं हो, तो देखिए जी कितना क्लासिक मैसिव सेटअप लग रहा है भाई। ऊपर लगा रखा है भाई ने रूफटॉप टेंट, और नीचे इनकी गाड़ी है ये। चलिए दीपक भाई, सबसे कैंपिंग का जो मेन होता है ना किचन, बिल्कुल दिखाते हैं आपने कैसे बनाया। चलिए, तो दोस्तों किचन के बिना कैंपिंग बिल्कुल अधूरी रहती है। तो दीपक भाई अब आगे आप बताइए भाई, आपके सामने है सब कुछ भाई। बहुत ही डिफरेंट और क्लासिक है ये सेटअप, मैंने इस पे बनाया डोर पे। अच्छा, बैक डोर है। फ्लैप होता था कवर, वो निकाल दिया, उस पे लकड़ी का बना दिया है ना। ओके, और उसके बाद आप देख ही सकते हो यहाँ पे सारा अपना, ये ऊपर वाला जो एरिया है ये पूरा मसाले वगैरह रखने के लिए। ठीक है, ये मसाले आ गए। इसके बाद चावल, आटा, चीनी, जो थोड़ा बड़ा ज्यादा सामान आता है, मतलब अपने अपने हिसाब से इसको अपन मॉडिफाई कर सकते हैं। और एक स्पेशल तेल के लिए बनाया हुआ है। अरे वाह, तेल की बोतल के लिए देखो, एंटीक अलग सी रैक बनाई है। उधर भाई, बाकी गिरे ना। अच्छा, ये बंद हो जाता है दीपक भाई ऐसे? ये पूरा बंद हो जाएगा। ओके, और ये हिले ना उसके लिए। अच्छा, एक क्लिप वगैरह लॉक लगा दिए। ठीक है। अच्छा दीपक भाई, सबसे मेन सवाल जो लोग हमसे भी पूछते हैं, ये डबल बर्नर का आपने गैस लगाया है, इसको मतलब कनेक्शन कहाँ से दिया, कैसे दिया कनेक्शन? हाँ, मतलब क्या यूज करते हो भाई? ये रहा LPG सिलेंडर जो कि अच्छा यहां रखा हुआ है, वही 5 kg हाँ, वाला जो सेम हम लोग यूज करते हैं ना। और ये इधर से वायर आ रही है इसकी। अच्छा, ये इसकी गैस पाइप आ गई दोस्तों यहाँ पर। और बाकी तो आप देख ही रहे हो, ये अपना गैस का एरिया, ये यहाँ पे चॉपिंग वगैरह के लिए। मतलब मैंने एक चीज नोटिस करी दोस्तों, इनके सेटअप में बहुत ही बेसिक और बहुत कम आवश्यकताओं के हिसाब से इन्होंने ट्रायल करा, मतलब झंझट नहीं पाला कि इधर ये भी लगा दिया या इधर रैके वैके और फालतू की बना दी, ऐसे करके सिंक लगा दिया। मतलब देखो, इसमें मैं सहमत हूँ। मैं आपको एक बात बोलूँ, आप बोलोगे कि भाई सबकी अपनी आवश्यकता होती है, अपना अपना तरीका होता है, बस हमारा तो यही है। जैसे हमने ड्रॉवर सिस्टम कर रखा है क्योंकि हमारा गेट ऐसे नहीं खुलता था, तो सब गाड़ियों की आवश्यकता अलग होती है। दीपक भाई ने बहुत ही इनकी आवश्यकता के अनुसार है ना, बहुत ही बेसिक सेटअप लगाया, कोशिश की थी ना, लेकिन डिग्गी छोटी है ना इसकी। हाँ, वो सक्सेस तो नहीं गया, मजा नहीं आया ढंग से। हाँ, मजा नहीं आया, तो फिर ये ठीक है। और बाकी वो सिंक वाला जो है ना भाई, उसमें क्या होता है कि बर्तन धुलते नहीं ढंग से। हाँ, सिंक तो मैंने भी नहीं बनाया इसीलिए। ये जो सेटअप है ये बढ़िया है। क्यों दोस्तों? सबसे बढ़िया वाटर मैनेजमेंट है गाड़ी में, परमानेंट वाटर टैंक होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, जब तक कि आप उस गाड़ी को पर्सनल यूज कर रहे हो, है ना। अगर प्रॉपर कैरावैन बना दी ना, जब तो अलग चीज है। तो दीपक भाई ने ये करीब 15 या 20 लीटर का एक कैंपर ये है, और 10 लीटर का कैंपर ये है, तो बहुत होता है यार एक बार के लिए, है ना। तो यहाँ पर दीपक भाई ने लकड़ी के फट्टे लगा के स्टोरेज बना रखा है, तो इसमें इनके बॉक्स वगैरह सब चीजें आ जाती है। अच्छा, गाड़ी के अंदर सोने का आपने अभी तक नहीं करा ना? ऐसा क्यों? ये किचन बढ़िया बनाने के लिए। अच्छा, क्योंकि अगर देखो इतनी हाइट पे अगर मैं बनाऊंगा सोने का, हाँ हाँ, तो फिर आप समझ सकते हो कि उस पे सर टकराता है। ये तो इमरजेंसी के लिए इसकी सीटें बहुत बड़ी है। हाँ, वैसे तो इमरजेंसी हो सकता है, इसमें 2-3 बार सोया। ओके ओके ओके, इमरजेंसी के हिसाब से ठीक है। बाकी मेरा यही है कि सोना है तो आराम से रूफटॉप में सो। खैर, रूफटॉप टेंट लगा ही लिया, और वैसे आप ग्राउंड टेंट भी यूज करते हो कभी कभार? ग्राउंड टेंट ये पड़ा। अच्छा, ग्राउंड टेंट भी साथ में लेकर आए हो? तो इमरजेंसी भाई, कभी भी जरूरत पड़ जाती, मतलब एनी टाइम 4 से 5 बंदों की व्यवस्था आपकी गाड़ी में हो सकती है आराम से। अच्छा दीपक भाई, खाना खाने के बाद जाने का भी होती है व्यवस्था, मतलब टॉयलेट का आप लोग जुगाड़ कैसे करते हो वो भी बता दो। वैसे तो आपको भी पता है, मुझे पता है, सबको पता है, पर यार हर बार बहुत से नए लोग जुड़ते हैं अपने से, तो उनकी एक क्या है भावना रहती है अपने से पूछने की, हाँ। कैसे करते हो, क्या करते हो? तो ये मेरा टॉयलेट टेंट है, हाँ। लगभग 2 साल से ज्यादा हो गए। अच्छा, बढ़िया चल रहा है भाई एकदम। आपको पता है, पॉप अप करके इसको के अंदर खड्डा खोद के भाई अपना काम कर सकते हैं, हाँ। बड़े आराम से। और ये लेडीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हम लड़के तो चलो कुछ कर लेते हैं जुगाड़ कहीं ना कहीं, हाँ हाँ हाँ, बहुत जरूरी है। अगर ये चीज है ना, तो एकदम ऐसा लगता है बिल्कुल प्राइवेसी हो गए ना। और इसके अलावा मेरे हिसाब से इसको चेंजिंग रूम के हिसाब से भी अपन लोग यूज कर सकते हैं। और इसमें दूसरा ऑप्शन भी है, सीट लेके
उसमें जो अपना पॉलिथिन सा आता है। हाँ, लेकिन यार वो थोड़ा अनहाइजीनिक होता है, गड्ढा खोदो। ट्राई किया था। हाँ, सबसे नेचुरल तरीका तो यही होता है, गड्ढा खोदो और वो करो। बिल्कुल। कैंपिंग चेयर्स के हिसाब से दीपक भाई ने अभी ये खरीदी है। भाई ये बहुत लाइट वेट है यार, इसमें तो मेरे ख्याल से, मैं वही बोल रहा हूँ, 1 किलो वजन भी नहीं है इसमें तो। डिकैथलॉन की थी ना। हाँ हाँ, एक मेरी टूट गई और एक घर में रहेगी। भाई लिंक शेयर करना, मैं भी मांगूंगा। बहुत हल्की फुल्की है। हाँ, अच्छी है ना। तो दो चेयर्स ऐसी ले रखी है और सब्जियों के लिए ये बॉक्स है। मतलब बड़ा बेसिक सा लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल सेटअप लगा मेरे को दीपक भाई का। और मैं कब से रिव्यू करना चाह रहा था, धर्मशाला आए थे ना, पर तब शायद आपने पुराना वाला सेटअप लगा रखा था। पुराना वाला था भाई। हाँ ना, वो मैंने घर में उतार के रख दिया यार। अच्छा, उतार के रख दिया। हो गए 12,000 रुपए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मेरा 9,000 भी नहीं लगा। मैं अगला सवाल यही पूछने वाला था भाई आपसे कि कॉस्टिंग कितनी आई। कॉस्टिंग भाई वही बोल रहा हूँ मैं, उसमें तो मेरा 12,000 लगे विद लेबर। ओके, है ना, इसमें विद लेबर 7 से 9,000 के बीच। बस बंदे ने थोड़ा ज्यादा ले ली लेबर, अदरवाइज 7,000 में हो जाएगा। मैंने वुड यूज किया ना। हाँ। ये है वो वाटरप्रूफ HMR करके कुछ HDHMR। हाँ, ये वुड इतनी वो अच्छी नहीं है, भारी बहुत ज्यादा है। अच्छा। वही सही है अपना प्लाई बोर्ड है ना। हाँ, प्लाई वाला वो सही रहता है। मतलब दोस्तों आप सोच सकते हो 7 से 8,000 के अंदर एक कैंपर वैन बना दी दीपक भाई ने। मतलब इससे चीपेस्ट कैंपर वैन मैंने आज तक नहीं देखी। तो आप लोग ये देख रहे होंगे यहाँ पे ये एक्स्ट्रा रेगुलेटर। मैं पूछने वाला था भाई, जब ये फिट कर रखा है तो एक्स्ट्रा रेगुलेटर का क्या काम है? बताता हूं मैं आपको। दिखाओ भाई दिखाओ, पूरा पिटारा खोल देंगे आज दीपक भाई का। इन्होंने खुद ने इतना अच्छे से रिव्यू नहीं करा होगा जितना हम इनके गाड़ी को रिव्यू करेंगे। गाड़ी को मैंने किया नहीं ढंग से। कोई नहीं भाई, हम कर देंगे ढंग से। ये क्या बोला है भाई? ये भाई ये देख लो। ओ भाई, ये बाहुबली कहाँ से लाए यार? ये है LPG हीटर। ओके, पकड़ो भाई जरा। ये लो जी, पकड़ लिया। ये देखो, ये LPG का वो लग जाता है पाइप इस पे। भाई से किसका सर फोड़ोगे? अपना वही सिलेंडर। आपको बताइए ठंड में कितना यूजफुल है। दोस्तों मजाक की बात है, हमने स्पीति में बहुत यूज किया था भाई, और कल भी बहुत जीवन दायिनी का काम करा है इसने। माइनस टेम्परेचर के अंदर हमने जहाँ पे कैंपिंग करी, आप लोगों ने वीडियो देखोगे या आप देखोगे, खाना बना लो, आग सेक लो, बारबेक्यू कर लो उसके लिए। बहुत सही चीज है दोस्तों, बहुत। इसका लिंक हम आपको ऑनलाइन शेयर कर देंगे और आपको लोकल मार्केट में आराम से 3,500-4,000 के आसपास मिल जाएगा। बिल्कुल भाई, है ना। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। दीपक भाई आपने किचन का बता दिया, वाटर मैनेजमेंट बता दिया, और क्या बोलते हैं टॉयलेट मैनेजमेंट बता दिया। अच्छा, पावर मैनेजमेंट आप कैसे मैनेज करते हो? पावर का भाई एक फोन है, ठीक है, से सब कुछ होता है ना। ओके, और लाइटें हैं, तो दो पावर बैंक रखे हुए हैं, एक 20,000 mAh, ओके, एक 10,000 mAh, ठीक है। तो दोनों को दिन में जब गाड़ी चलती है चार्ज कर लिया। सबसे बढ़िया यूज किए, बल्कि रात को एक ही यूज हुआ, एक मेरा बचा हुआ है। अच्छा, तो वो जो खाली हुआ उसको अभी गाड़ी चलेगी जब आप चार्ज पे लगा दोगे? दोनों को ही फुल कर देता हूँ रात को। अच्छा अच्छा, कोई गाड़ी का इन्वर्टर वगैरह भी ले रखा आपने? हाँ वो है ना, वेंट्रो वाला जो भी होता है, या कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं। ये ज्यादा वो करते हैं लोग कि अच्छा है ये वाला। ओके, हाँ मैं भी ये यूज करता हूँ पर्सनली, बढ़िया चीज है। मैकबुक ये, अच्छा वो भी चार्ज हो जाती है इससे? हाँ, इससे हो जाता है। तो मतलब ये देखो दोस्तों, आप 2,500 की कोई 2,000 की चीज खरीद लो एक साथ में, और दो पावर बैंक रख लो, आपका पूरा पावर मैनेजमेंट ऐसे हो जाता है। क्योंकि हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, कोई एक्स्ट्रा बैटरी नहीं लगा रखी है ना दीपक भाई? बिल्कुल भाई, एक्स्ट्रा बैटरी नहीं है, नहीं पड़ती यार, जरूरत नहीं पड़ती अगर है। दो चार दिन यहाँ रुकना है खड़े, हाँ तो जरूरत पड़ेगी फिर। सोलर वगैरह फिर वो अलग उसमें है ना। अरे यार फिर भी गाड़ी स्टार्ट कर दो, हो जाती है बैटरी स्टार्ट, कितना तेल लग जाएगा भाई, ये भी है हो जाता सब कुछ। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है, इनकी गाड़ी दिखाना नहीं है, केवल आप लोगों को ऐसे मोटिवेट करना है कि जो लोग सोचते हैं ना कि यार 2,500-3,00,000 के बिना कैंपर वैन, मतलब आप कैंपिंग नहीं कर सकते हो। यहाँ पे देख लो 7 से 8-10 हजार के अंदर इन्होंने किचन बना लिया। रूफटॉप टेंट की बात अलग है, उसकी मैं आपको, अगर आप नए हैं तो पहले स्टार्टिंग में आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, आप ग्राउंड टेंट से या गाड़ी के अंदर भी जैसे हमने स्टार्ट किया था ना वैसे कर सकते हो। क्यों दीपक भाई? ये मैंने अभी लगाया, ये अभी लगाया है। अभी तो पिछली ट्रिप जो मैंने की बर्फ वाली, इतने टाइम तो सारा ग्राउंड टेंट, हाँ, ग्राउंड टेंट से कर रहे थे। आप 2,000 का ग्राउंड टेंट, 3,000 का, 7,000 का, ये 10-15 हजार में, मोटा मोटा 10 से 15 हजार के अंदर आप आपकी गाड़ी के साथ कैंपिंग स्टार्ट कर सकते हो। 2,000 का सिलेंडर है, 2,000 की गैस, वो तो चलो घर पे भी काम में आते, छोटा मोटा वो तो स्टार्टिंग है। बेसिक इन्वेस्टमेंट अगर आपको बताऊं 10-15 हजार रुपए भाई सफिशिएंट रहता है एक अच्छे वाले सेटअप के लिए। अच्छा दीपक भाई, आपने अभी 3 दिन हुए, आपको 2-3 दिन हुए रूफटॉप टेंट ये वाला लगाए हुए इस गाड़ी के ऊपर, है ना। प्लस पॉइंट तो सब बताते हैं, माइनस पॉइंट आपको क्या लगे? माइनस अभी तो यार एक ही रात सोया इसमें। अच्छा, कल पहली बार जैसा कि आपने खोला था, सोने का एक्सपीरियंस अच्छा था, ठीक है ना। बाकी सॉफ्ट टॉप का ही होता है कि उसको खोलना, हाँ, और बंद करना, ये सबसे बड़ी बेकारी होती है यार, मेहनत और टाइम बहुत लगता है इसमें, है ना। बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो अब धीरे धीरे जैसे यूज करेंगे जितना इनके चैनल पर मिलते जाएंगे आपको, अभी तभी पता लगेगा कि क्या खराबी है। बाकी तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना, सब ओके है। हमारा वाला दीपक भाई ये
पीछे हमारी गाड़ी खड़ी है दोस्तों और इधर दीपक भाई की गाड़ी खड़ी है, ऑलमोस्ट सेम रूफटॉप टेंट है हमारा। रूफटॉप टेंट की अगर बात करें तो अगर हमारी तरफ से ऐसा कोई पर्सनली रिकमेंड नहीं है दोस्तों, जैसे जैसे ओवरलैंडिंग का ये बढ़ रहा है ना कल्चर, मार्केट में बहुत सी कंपनियां आ रही है, आप अपने हिसाब से कर लीजिए। हम अगर किसी को स्पेशली रिकमेंड करेंगे तो लोग सोचते हैं कि हमें स्पॉन्सर है या वो है, इसलिए हमारी तरफ से कुछ भी रिकमेंड नहीं है भाई। बहुत सारी कंपनियां आप अपने हिसाब से करके देखिए यूज, और मैं शुरू में ये रिकमेंड करूंगा फिलहाल स्टार्टिंग में रूफटॉप टेंट मत लगाइए। आप हमारे वाले लेवल पे पहुंच जाते हैं ना, आपको लगता है कि आप लोग कैंपिंग कर सकते हैं, तो ये 50-60 हज़ार रुपये इस पर इन्वेस्ट करिए। वरना स्टार्टिंग में मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप केवल यूट्यूब के चक्कर में रूफटॉप टेंट भी लगा लिया, इतना खर्चा भी कर लिया तो पछताओगे भैया बाद में। तो चलिए दोस्तों, दीपक भाई बोल रहे हैं एक बार रूफटॉप टेंट का भी आपको दिखा देते हैं कैसा क्या रहता है। ये तो आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा भाई, अंदर आप चढ़ो आप ऊपर। तो ये है जी इनका 3% रूफटॉप टेंट। यस, तो यहाँ पे तो रात को सोए थे हम, है ना, ठीक है, तो पूरा अस्त व्यस्त पड़ा है भैया मामला, कंबल वंबल सब ऐसे पड़े हैं, ठीक है, ठीक है, खुला है, वेंटिलेशन भी अच्छी खासी है, बढ़िया है, अच्छी वेंटिलेशन है। अच्छा, हवा बहुत तेज चल रही थी, उसमें कोई दिक्कत आई थी आपको रात को? नहीं, इसमें तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आई, पहले जो अल्टो में था उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी मेरे को। ये हैवी हो गया ना थोड़ा? हाँ, ये हैवी है, बढ़िया है, और इसमें ये इनको लगाने में काफी टाइम लग जाता है। हाँ, ये चीज है, ये थोड़ा बेकारी का काम है। अल्टो में था कि मैं उसको नीचे से ही लगा देता था। हाँ, और कल मैंने जो स्टार्ट किया लगाना इसको, बिल्कुल, तो चलो यहाँ से लग गई। हाँ भाई, बाकी लगाने के लिए अंदर घुस के लगाना पड़ता है, मतलब सबर का काम है, लगते 5 मिनट है। इस मामले में सागर भाई वाला बहुत अच्छा डीकैथलॉन का, वो एकदम से खुल जाता, पूरा उसमें मेहनत ही नहीं करनी पड़ती ज्यादा। उसमें मेहनत है जब हम उसको पूरा बंद करते हैं ना। हाँ हाँ, उसके बाद कवर चढ़ाने में थोड़ी मेहनत है। अच्छा, थोड़ा अच्छा। थोड़ा सबका है यार, कुछ पाने के लिए दोस्तों कुछ खोना पड़ता है। तो चलिए जी, ये तो बहुत आगे की बात हो गई है दोस्तों। बाकी बेसिक अगर आपको कार कैंपिंग स्टार्ट करनी है ना, आप ऐसे दीपक भाई की तरह 15-20 हज़ार रुपए के अंदर कार कैंपिंग स्टार्ट कर सकते हो भाई। और मैं बता रहा हूँ, पहली ही ट्रिप में आपका सारा पैसा वसूल हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर आप होटल लेते हो, 1500 का एक रूम मिलता ही मिलता है, 3 या 4 जने जा रहे हो अगर, तो खाना पीना दिन भर का मिला के 2 से 2500 रुपए खाने पीने के लगते हैं अगर आप अच्छी जगह खाना खा रहे हो। तो डेली का अगर आपका 3-3500 रुपए 4000 रुपए तक अगर इस गाड़ी से बच रहा है, और देखिए पैसा बचाना सब कुछ नहीं होता, ओवरलैंडिंग एक पैशन है, ऐसी लोकेशन पर आपको कोई भी रूम नहीं देगा, कोई भी ऐसे ऐसे खाने बना के नहीं देगा। और जैसा कि आपको पता है हम लोग भी प्योर वेज है, तो भाई हमारा तो गाड़ी में किचन है, उसका कभी और बात करेंगे। तो फिलहाल तो आपको उम्मीद है गाड़ी पसंद आई होगी दीपक भाई की। कुछ भी इंक्वायरी हो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आईडी मैं मेंशन कर रहा हूं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर करना भाई। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।